और उस दिन बच्चा याद नहीं करके लाया था, उसे टेबल नहीं याद कर रहा था वो 2 महीने से। मैं विकलांग हूँ, मेरे से तो उठा नहीं गया। मैंने जो है फिर बच्चों से ही 2-4 लगवा दिए, बस ये तो बहुत बड़ा हो गया। अब मुझे राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया है। बस मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि नेताओं को तो इतने छोटे से मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए था, इसे राजनीतिक रूप ना देकर बल्कि थोड़ा सा इसे ज़्यादा फैलाने की कोशिश ना करें, ये तो भड़काना है। कितने पैसे आपने दिए थे? मैंने उन्हें 1000 रुपये तो वह है और 6 महीने की फीस दी थी 1800 रुपये। क्या यही उन्होंने जमा कर रखी थी? यही जमा की? हाँ यही जमा कर रखी थी। फैसले में फिर उन्होंने क्या कहा था कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे? हाँ उन्होंने कहा कि अब कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। नेहा पब्लिक स्कूल में एक छात्र की छात्र द्वारा पिटाई के मामले ने जहां तूल पकड़ लिया है, वहीं इस स्कूल की प्रबंधक हमारे साथ हैं तृप्ता त्यागी जी, इनसे बात करेंगे। आखिरकार ऐसी क्या नौबत आई थी कि साथी छात्रों से ही उस छात्र की पिटाई करवानी पड़ी? जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम तृप्ता त्यागी है। तृप्ता जी आप प्रबंधक हैं, टीचर भी हैं इस स्कूल की, आप क्या कहेंगे कि उस दिन कब की ये घटना है और कौन वो लड़का था जिसकी पिटाई हुई? मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और उस दिन बच्चा याद नहीं करके लाया था, उसे टेबल नहीं याद कर रहा था वो 2 महीने से। तो उसे जो है मैंने कहा था कि कल तेरी पिटाई होगी अगर तू अकल भी ना याद करके लाया। थोड़ा बच्चे को टाइट रखना पड़ता है, क्योंकि उसके फादर भी उसी दिन मुझे थोड़ा सा कह के गए थे कि वो पिटाई करते हुए ला रहे थे कि इसे बच्चे को टाइट रखो तभी ये पढ़ेगा। तो मैं विकलांग हूँ, मेरे से तो उठा नहीं गया। मैंने जो है फिर बच्चों से ही 2-4 लगवा दिए, बस ये तो बहुत बड़ा हो गया। जिस तरीके से इस मामले को तूल दिया जा रहा है, जिस तरीके से इस पर ट्वीटबाजी चल रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे राजनीतिक रूप लेता जा रहा है? अब मुझे राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया है। बस मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि नेताओं को तो इतने छोटे से मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए था, इसे राजनीतिक रूप ना देकर बल्कि थोड़ा सा इसे ज़्यादा फैलाने की कोशिश ना करें, ये तो भड़काना है। आपका फैसला भी कुछ लड़के के पिता से हुआ था, क्या फैसला? हाँ उसके पिता से मेरा फैसला, ये हम दोनों पक्षों का हो चुका है फैसला। तो उन्होंने ये कहा था कि हमें फीस दो और एडमिशन फीस दो, तो मैंने दे के फैसला कर लिया था। कितने पैसे आपने दिए थे एडमिशन फीस? मैंने उन्हें 1000 रुपये तो वह है और 6 महीने की फीस दी थी 1800 रुपये। क्या यही उन्होंने जमा कर रखी थी? यही जमा की? हाँ यही जमा कर रखी थी उन्होंने। फैसले में फिर उन्होंने क्या कहा था कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे? हाँ उन्होंने कहा कि अब कोई भी कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि हमारा फैसला हो चुका है। अब जिस तरीके से ये मामला इतना तूल पकड़ रहा है तो आप क्या कहेंगे कि गलती हुई है आपसे? हाँ मुझसे गलती हुई है, क्योंकि जो गलती है वो देखो वो तो माननी पड़ेगी, लेकिन मेरा मकसद हिंदू मुस्लिम करना नहीं था और ना ही मैं मोमडन बच्चों को कोई अलग बच्चा मानती। उस वायरल वीडियो में आप एक मोमडन शब्द का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, आखिर वो पूरी लाइन क्या थी और क्यों आपको कहनी पड़ी? हाँ तो वो मुझे ये कहनी पड़ी क्योंकि मुझे स्कूल में थोड़ी परेशानी हो रही थी, ये इनकी जो मोमडन माएँ हैं वो बच्चों को ले एग्ज़ाम के डेज में सारी तो नहीं पर 2-4 लेके जा रही थी, तो मैं यही डिक्लेयर किया था कि कोई भी मोमडन माँ बच्चे को लेकर ना जाए क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, इससे पढ़ाई का नुकसान होगा। क्या पहले भी वो कहीं जाता रहा है मामा के यहाँ जिस वजह से ये कहने? उस बच्चे को नहीं कहा जा रहा था, ये मैं बैठी हुई वैसे और बच्चों को बोल रही थी, सारे बच्चों को बोल रही थी वैसे मैं, क्योंकि मोमडन बच्चा ज़्यादा है। अब जाँच चल रही है कार्रवाई की बात जिसमें कह रहे हैं आप पर, क्या कहेंगे इस बारे में? अब कार्यवाही के बारे में तो मैं शासन के बारे में क्या जानूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, ना मैं उसके बारे में कुछ कह सकती। लेकिन आपसे गलती हुई है ये चीज़ आप मानती हैं? हाँ गलती तो ये तो मैं मानती हूँ। जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे हैं इसे वायरल करने के लिए, जो बयानबाजी चल रही है, उन लोगों को क्या कहोगे? बस मैं यही कहूँगी कि ये इतना संगीन मुद्दा ना बनाएं, देश में शांति रखें, इस तरह से ना तो कोई टीचर पढ़ा पाएगी ना बच्चा ही पढ़ पाएगा, क्योंकि टीचरों को अगर इतना ज़्यादा घसीटा जाएगा तो बच्चों को उसका ऐसा माइंड हो जाएगा कि वो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं पाएगा। तो सुना आपने, ये तृप्ता त्यागी स्कूल की प्रबंधक हमारे साथ थी, जिनका कहना है कि उस घटना के बाद वे मान रही हैं कि हाँ गलती मुझसे हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं हिंदू मुस्लिम लेकर के कोई भी बात नहीं चल रही थी, गलती हुई है उसके लिए माफ़ी भी मांग रही हैं ये लोग, लेकिन अब किस तरीके की कार्रवाई, किस तरीके की जाँच चलती है ये देखने वाली बात होगी। संदीप सैनी,
मुजफ्फरनगर।